स्टूडेंट्स, वेलकम टू साथ क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, जो कि टर्म वन में आ रहा है क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम्स में। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू विल गेट माय लेटेस्ट वीडियोस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिएगा, प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पावर ऑफ अ लेंस। तो भाई, पावर ऑफ ए लेंस होता क्या है पहले उसको समझते हैं। जैसा कि आप एनिमेशन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइट रेज डाइवर्ज भी हो रही हैं, बिकॉज कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में लाइट कन्वर्ज हो रही हैं। तो भाई लेंस की ताकत कितनी है, लेंस की पावर कितनी है, वो कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है लाइट को। तो जितना वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा कहलाएगी। इसका हम पढ़ते हैं एक जो बुकिश लैंग्वेज है, द पावर ऑफ ए लेंस इन रे ऑप्टिक्स इट्स एबिलिटी टू बैंड लाइट। जैसा मैंने बताया कि वो लाइट को कितना बैंड कर देता है, कितना मोड़ देता है। तो द ग्रेटर द पावर ऑफ ए लेंस, द ग्रेटर इज इट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट दैट पासिस थ्रू इट। जो मैंने बताया उसी का ही वर्जन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जितना ज्यादा वो बैंड करेगा या जितना ज्यादा वो कन्वर्ज करेगा उतनी ज्यादा उसकी पावर कहलाएगी। अभी आगे हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और इसको थोड़ा सा और समझेंगे विद द यूज ऑफ अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ लेंस समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से। तो मैं आपको तीन इमेजेस दिखाऊंगा, उसको जरा गौर से देखिएगा। तो ये मैंने लिया लेंस नंबर ए, पहला लेंस लिया, उसको मैंने क्या कहा लेंस नंबर ए। तो हमने पता है कि जब भी कोई लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होती है भाई, वो फोकस से पास होती है। इसको मैंने क्या दिया, फोकल लेंथ ए। सही है, सेकेंड इमेज को देखते हैं अगेन। इसको मैंने कहा लेंस बी, लाइट पैरेलल है तो इसका फोकस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये इसकी हो गई फोकल लेंथ बी, यानी ये डिस्टेंस लेंथ और इसके बीच का डिस्टेंस को कहते हैं हम ऑप्टिक सेंटर और फोकल पॉइंट के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। थर्ड इज अगेन लाइट इज गोइंग पैरेलल सो इट विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से पास हुई और ये लेंस मेरा सी है सो फोकल लेंथ ऑफ सी। अब ये बताइए इन तीनों लेंस में सबसे ज्यादा लाइट किस केस में बैंड हुई, सबसे ज्यादा लाइट किस केस में मुड़ी, सबसे ज्यादा लाइट किस केस में मुड़ी, ए बी या सी? अगर आप देखें सी, वेरी गुड। तो लाइट सबसे ज्यादा बैंड हुई हमारी सी में। सो भाई सबसे ज्यादा पावर किस लेंस की हुई, सबसे ज्यादा पावर हो गई भाई हमारी लेंस सी की, पावर सबसे ज्यादा हुई। क्यों हुई, क्योंकि लेंस सी ने सबसे ज्यादा लाइट को बैंड किया है। सही है, अब फोकल लेंथ की टर्म्स में बात करूं तो फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा फोकल लेंथ है ए की, तो इसकी पावर कम है। तो उल्टा होता है, फोकल लेंथ और पावर क्या हुए भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या होगी, कम। अगर फोकल लेंथ कम है, जो कि इस केस में है, इस केस में क्या है, लेंस सी के केस में फोकल लेंथ देखिए कितना छोटा डिस्टेंस है। तो अगर आपकी फोकल लेंथ पावर सबसे ज्यादा है सी की, फिर पावर ऑफ लेंस बी, देन पावर ऑफ लेंस ए। बट फोकल लेंथ ऑफ सी क्या है, अगर मैं फोकल लेंथ के टर्म्स में बात करूं, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ऑफ सी सबसे कम है, ओके। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ बी, और सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसकी है भाई, फोकल लेंथ ऑफ ए। तो इससे हमने पता लगाया कि पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है भाई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया पावर ऑफ ए लेंस का। सो द पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ। तो इसको याद रख लीजिए व्हाई इट इज सो। नेक्स्ट, तो ये जो कि आपने देखा पावर ऑफ ए लेंस में पी डिनोट फॉर पावर ऑफ ए लेंस, एफ इज द फोकल लेंथ। और ध्यान रखिएगा ये हमेशा इसकी वैल्यू जब न्यूमेरिकल्स करें ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, बिकॉज मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मत रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर डी से। इसको लिख लीजिए कि भाई पावर की यूनिट क्या होती है, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ को आप किसे मेजर करते हैं, मीटर, यस और नो? वेट को आप किसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होती है केजी। सही है, सो ऐसे ही पावर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुई, पावर की स्टैंडर्ड यूनिट हुई डाई ऑप्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। सही है, तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हूज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मतलब ये हुआ कहने का, पावर का फॉर्मूला था 1/f, ठीक है,
अगर मेरी फोकल लेंथ कितनी है 1 मीटर, मैं एक लेंस लेता हूँ उसकी फोकल लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो पावर कितनी आई 1 डायोप्टर, सही है, बिकॉज 1/1 will be 1, तो पावर आई 1। सो इस वाली स्टेटमेंट का मतलब ये है जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पावर ऑफ ए लेंस पर। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? तो इसमें हमसे क्या पूछा है भाई, इसमें हमसे पूछिए पावर, सही है, और फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी 50 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है, और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन लिखना है, जो भी चीज आपको गिवन है उसको साइन कन्वेंशन, यहाँ पे कहीं प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, बट उसमें उन्होंने लिख दिया है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है हमेशा प्लस। तो चलिए फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला हमारा है पावर इक्वल टू 1/f, बट f को मैंने कहा था भाई मीटर में रखना है, तो 50 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, यानी क्या करेंगे आप, 50 को 100 से डिवाइड कर दीजिए मीटर में आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 meter, और यू कैन, ठीक है, देखिए 1/f/1/2 meter, सो ये 2 पर चला जाएगा, इट विल बिकम 2 डायोप्टर, पॉजिटिव 2, सही है, सो पावर हो गई आपकी प्लस 2 डायोप्टर, तो उस लेंस की पावर कितनी हुई भाई प्लस 2 डायोप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ लेंस हैज ए पावर ऑफ -2 डायोप्टर, भाई यहाँ पे पावर आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी दे रखी है -2, तो ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अब देखिए पावर नेगेटिव है, मैंने बताया था पावर या फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगी तो वो लेंस होगा कॉनकेव लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस हुआ भाई, कॉनकेव लेंस, सॉरी, ठीक है। चलिए और हम तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस, नेचर मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो लेंस का तो नेचर हमने बता ही दिया, फोकल लेंथ से भी निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ देखिए नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, पावर कितनी गिवन है आपको -2.5 इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1/f, f विल बी इक्वल टू -1/2.5, डेसिमल से ऊपर ऊपर आ गया, तो इट विल बिकम 2/5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंप्लीफाई के लिए, तो इट विल बिकम 4/10, इट विल बिकम 0.4 मीटर, ध्यान में रखिएगा, सही है, क्योंकि ये डायोप्टर में है तो ये क्या गई भाई मीटर में आएगी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आई, आपने देखा भाई मेरी फोकल लेंथ आई 0.4 मीटर, अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 0.4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको क्या मिला 40 सेंटीमीटर, साइन मत लगाना भूलिएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो फोकल लेंथ आई आपकी -40 सेंटीमीटर, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये लेंस कॉनकेव लेंस है, समझ में आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगला टॉपिक पावर का ही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुकिश लैंग्वेज, तो इसको मैं समझा देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए क्या चीज होती है, कि अगर मैं 2 लेंस की पावर को ऐड कर दूं एलजेब्रिक सम, तो वही उसकी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लेंस गिवन है, एक की पावर P1 है और दूसरे लेंस की पावर कितनी है भाई, दूसरे लेंस की पावर P2 है, अगर मैं इन दोनों लेंस को ज्वाइन कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, तो जो टोटल पावर आएगी वो क्या आएगी, इसका एलजेब्रिक सम आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ, मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, पावर कितनी है इसकी भाई +4 डायोप्टर, एक लेंस मैंने लिया कॉनकेव लेंस, इसकी पावर कितनी है -10 डायोप्टर। अब तीसरे केस में मैंने क्या किया, इन दोनों केस को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों केस को देखिए, इन दोनों लेंसेज को मैंने आपस में चिपका दिया, तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आएगी, तो कॉम्बिनेशन में पावर आएगी P1 हो गया हमारा +4 और P2 कितना हो गया -10, इसको मैं ऐड करूंगा कितना आएगा -6 डायोप्टर, क्योंकि ये +4 डायोप्टर हो गए, 10 डायोप्टर होगा -10, +4 -10 विल बी -6 डायोप्टर, तो ये कॉम्बिनेशन लेंस की पावर कितनी होगी टोटल -6 डायोप्टर, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से इसके ऊपर। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर, भाई दो थिन लेंसेज हैं, एक की पावर कितनी है भाई, पी वन है आपका प्लस 35, 3.5 डायोप्टर, और दूसरा लेंस है उसकी पावर कितनी है माइनस 2.5 डायोप्टर, आर प्लेस्ड एट कॉन्टेक्ट। तो ये दोनों चुपक्के होंगे, ठीक है, दूर दूर नहीं होंगे, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब ये लेंस आपस में चुपक के रखे जाएंगे, चुपका के रखे जाएंगे, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये थोड़े सा भी डिस्टेंस पर है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो नेक्स्ट थिंग, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सही है। तो भाई पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू, पी वन कितना है प्लस 3.5 डायोप्टर, पी टू माइनस 2.5 डायोप्टर, कितना है आंसर प्लस वन, सही है, प्लस वन डायोप्टर। तो यानी जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस बना उसकी पावर कितनी आई, प्लस वन डायोप्टर। अब ये पूछ रहे हैं भाई इसकी फोकल लेंथ बताइए, क्या पूछ रहे हैं ये भाई, मुझे इसकी फोकल लेंथ बताओ, बता दीजिए। तो पावर इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ कितना है, एफ ही तो निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं आप, एफ विल बी इक्वल टू वन अपॉन पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। पी की क्या वैल्यू है, पी की वैल्यू हमारी है प्लस वन, तो यहाँ पे लिख दिया भाई प्लस वन, वन अपॉन प्लस वन कितना हुआ वन, यूनिट क्या होगी, फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो फोकल लेंथ की यूनिट आप लिख दीजिए यहाँ पे मीटर। तो भाई फोकल लेंथ कितनी आई, एक मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में कितना हो गया, ठीक है, तो उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं पावर के ऊपर। तो ये छोटे से दो टॉपिक्स थे पावर ऑफ ए लेंस में, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एंड कीप वॉचिंग सात क्लासेस, थैंक यू।